बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट आते ही सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। हैवानियत की सभी हदों से गुजरे रामगोपाल के हत्यारों की पोल खोल दी है। दरअसल बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के साथ मौत से पहले अत्यधिक क्रूरता की गई थी। गोली मारे जाने से पहले उसे नर्क की यातना से गुजरना पड़ा था। हत्यारों ने गोली मारने से पहले उसकी बुरी तरह पिटाई की और धारदार हथियार से भी हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? शरीर पर गोलियों के 35 छर्रे के निशान, प्लास से खींचे गए थे नाखून, मौत की वजह बिजली की करंट से ब्रेन हैमरेज, यानी आरोपियों ने प्लास से उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए थे। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके भी दिए, इसके वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उसे 35 गोलियां मारी। बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान आरोपियों ने राम गोपाल को अगवा कर उसकी हत्या को अंजाम दिया था। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पता चला कि राम गोपाल को आरोपियों ने उसे गोली मारने से पहले इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। क्या कुछ रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है? मेरी जानकारी के अनुसार 25-30 छर्रे उनको लगे, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावे बाईं आँख के ऊपर एक फटा चोट है एवं दोनों पैर के अंगूठों में भी चोट के निशान हैं। आपने कहा अंगूठों में चोट के निशान हैं। एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि जो है बॉडी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है, या तो शव जो है अगर मर भी गए थे उसके बाद, क्या नाखून खींचने जैसा कुछ है पैर का, ऐसा दिखाई पड़ रहा? अब इतनी डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंगूठे के मध्य भाग से थोड़ा कम डैमेज है नाखून, चोट है वहाँ। लग रहा है कि खिंचा हुआ है या चोट? अब ये दावे के साथ नहीं बता सकते, चोट है इतना पता चल रहा है। अब खींचने से हुआ है या किसी और चीज़ से, ये तो जो डॉक्टर साहब लोग किए हैं पोस्टमार्टम वो डिटेल बता सकते हैं। बॉडी जो है उस पोस्टमार्टम में, चलिए आपने बताया कि बुलेट इंजरीज हैं, जो बुलेट छर्रे, इसके अलावा बॉडी में और कहाँ कहाँ चोट के निशाने? जितना मैंने बताया है उतना है, उसके अलावे नहीं है। और एक थ्योरी आ रही थी कि चाकू भी कहीं पेट पर, ये खबर गलत है। रीजन ऑफ डेथ क्या है, बुलेट इंजरी है या फिर? रीजन ऑफ डेथ है बुलेट इंजरीज के कारण जो अत्यधिक ब्लड निकला है उसके कारण शॉक डेथ, एक्सेसिव ब्लड की वजह से शॉक डेथ आया था। तो मृत घोषित हो गया था या फिर? मैंने कहाँ की बात आप कर रहे हैं? अस्पताल जब बॉडी आती है उसके बाद ब्रॉड डेड था, जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड आया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने उसकी मौत के बाद उसे गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मौत की वजह बिजली के करंट और ब्रेन हैमरेज होना बताया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से हर कोई हैरान है कि आखिर कोई इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है।